चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। बाहर देखे तो यह जानने में आता है कि मैं राग की दीवार का पड़ोसी चैतन्य महल हूँ। मगर चैतन्य महल में रहकर चैतन्य महल का अनुभव करने वाला ज्ञानी ज्ञान की सत्ता के बाहर स्वयं को अनुभव नहीं करता होने से उसे यह विकल्प भी नहीं आता कि पड़ोस में कौन है। मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा हूँ। जिस परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा में अनंत पड़ोसन आई मगर मिल न सकी, जिस चैतन्य परमात्मा की त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता को अनंत परमाणु खंडित नहीं कर सके, अनंत परमाणु बैर बिखेर हो गए, अनंत परमाणुओं का वियोग हो गया, मगर ज्ञान स्वयं के असंख्य प्रदेशों से अखंड अभेद एक रहा, यह एक चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। यह एक ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूं।
एक भी विकल्प मेरे निकट नहीं आया। भीतर में यह जागृति, ऐसी सहज जागृति, विकल्प मेरे नजदीक नहीं आया, यह बोलने का विकल्प भी यहां नहीं है, क्योंकि यहां स्वच्छ ज्ञान है। ऐसा जो स्वच्छ ज्ञान की, जिस ज्ञान में ज्ञान है और विकल्प नहीं, जहां इतना भी भेद का भाव नहीं कि ज्ञान में ज्ञान है, सिर्फ मैं चैतन्य परमात्मा ज्ञान मात्र हूं, मैं कितना महान हूं। मेरे जैसा इस जग में और कोई दूसरा नहीं, मैं ही महान हूं, दूसरा कोई नहीं। यह विकल्प भी निर्विकल्प अनुभूति में नहीं आता। इसी का नाम सहजता है। सहज का अर्थ यही कि जैसा चैतन्य स्वरूप है, ऐसा ही ज्ञान में जानने में आए। यह स्वरूप कोई अच्छा नहीं है, यह स्वरूप कोई बुरा नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा को जो महिमावान अज्ञानी ने जाना है, वह राग के कचरे के कारण उसे महिमावान लगता है। जैसे धन अच्छा है, पद अच्छा है, प्रतिष्ठा अच्छी है, जैसे देह के परमाणु अच्छे हैं, वो अच्छे है, ये जो भाव है अच्छे है। यदि सामने कीचड़ हो, कादव कीचड़ हो और सोना हो, तो महिमा आती है कि सोना अधिक महिमावान है, कादव से अधिक महिमा वाला सोना लगता है। पत्थर का टुकड़ा है तो अधिक महिमा वाला वह हीरा लगता है। ऐसे ही ये देह के परमाणु, ये मिट्टी, और उससे अधिक महिमावान यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं, ऐसी महिमा आए। मगर ये महिमा बाहर की बात है, ये अनुभव नहीं है, ये राग सहित चैतन्य परमात्मा की महिमा है कि सारे जग के वैभव को एक और दूसरी ओर एक चैतन्य परमात्मा, और ये चैतन्य परमात्मा इतना महिमावान लगे। महिमावान का भाव बहुत सूक्ष्म है। जो ऐसा लगता है साधक को कि मुझे चैतन्य परमात्मा की महिमा जगी है, एक आत्मा ही सारे जग में सार है, एक आत्मा ही तीन लोक में सार है, यह चैतन्य परमात्मा से अधिक महिमावान इस जगत में और कुछ भी नहीं है, अज्ञानी का ये जो अहोभाव है, ये राग के कारण अहोभाव है, ये अनुभूति का अहोभाव नहीं है। जिसे अनुभूति हुई, वहां तो मैं भगवान आत्मा ये अच्छा हूं, मैं भगवान आत्मा ये बुरा हूं, ऐसा कोई भेद नहीं होता। सारे जग से अधिक महिमा वाला मैं भगवान आत्मा हूं। निर्विकल्प अनुभूति में जैसे जैसे भेद विज्ञान हुआ कि ये देह के परमाणु मैं नहीं हूं, और भीतर में चैतन्य 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 ऐसी विचारधारा जब चलती है कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, उस समय ही देह संबंधी जो विकल्प थे ना, वो विकल्प भी अब गिरने लगते हैं। देह संबंधी विकल्प अर्थात ये देह मैं हूं ऐसा नहीं, ये देह मैं नहीं हूं, ये राग की दीवार मैं नहीं हूं, ऐसे विकल्प भी वहां गिरने लगते हैं। विकल्प गिरने लगते हैं जब राग की दीवार मैं नहीं हूं, ऐसे विकल्प भी जहां गिरने लगे, तो राग की दीवार से अधिक महिमा वाला मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा भेद ज्ञान नहीं है।
यहां तो ऐसी एक चैतन्य स्वरूप प्रति समय वहां व्यक्त होता जाता है, जैसे व्यक्त होता जाता है उतना ही अनुभव 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 उसमें वहां दूसरों के साथ में तुलना करने का समय और अवकाश किधर मिलता है। जैसे बादल हटे और सूरज का दर्शन हो, और जैसे जैसे सूरज का दर्शन हो ऐसे ये सूरज पृथ्वी से अधिक प्रकाशवान है, ये सूरज ही महिमावान है पृथ्वी नहीं। तो अभी तुमने सूरज को देखा नहीं, बीच में पृथ्वी आ रही है, पृथ्वी से महान ये सूरज है ऐसा जो विकल्प आया उसमें भी सूरज का अपमान हो रहा है। भगवान मैं आप ज्ञान दीपकों को ये रहस्य कहता हूं भगवान कि चैतन्य 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 ऐसी जो चैतन्य परमात्मा तत्व की मस्ती जब अंतर में होती है उस समय ये देह के परमाणु मैं नहीं हूं और देह तो मिट्टी है राख की दीवार है ये सब भावों से छूटता जाता है। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व यह दशा है, एकमात्र चैतन्य स्वरूप यह अनुभव। इतना उग्र पुरुषार्थ जो कहा ने, विकल्प से भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आता, उग्र पुरुषार्थ से वह पकड़ में आता है। ऐसा जोर, जोर का मतलब कि सारे जग का वैभव एक और सामने रखो और मैं लेने नहीं जाता, मैं आत्मा में जाऊंगा, उसका नाम जोर नहीं है, उसका नाम तो विकल्प का कचरा है, यह जोर नहीं है, जोर नहीं है। भगवान निर्विकल्प अनुभूति जब ध्यान की अवस्था में साधक को अंतर में ऐसा अनुभव हुआ उससे पूर्व जो तत्व विचार चलता है, ये तत्व विचार के काल में ऐसी दशा शुरुआत की भूमिका में ये सब भेद जाना, ये शरीर मैं नहीं ऐसा हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ये विकल्प भी एक बार आया ना, नहीं हूं ये विकल्प भी आया, ये भेद का भाव, ये भेद का विकल्प, वह विकल्प भी बाधक है। वहां तो भेद जान करके ऐसा, ये भेद जान करके उस समय इतना जोर हो उस समय उसका विकल्प ना आए हो। जब चावल को कंकड़ से अलग किया, गेहूं को कंकड़ से अलग किया, और जब गेहूं को पकाया जा रहा है, अभी जीभ पर वहां पर रोटी नहीं आई, वहां पर जीभ पर अभी चावल का दाना नहीं आया, अभी तो पकाया है, अब थाली में आया, थाली में जब चावल पका हुआ थाली में आया, अभी जीभ पर चखा नहीं है, मगर थाली में जब आता है उस समय भी आपको कंकड़ का विकल्प कितना आता है कि ये बिना कंकड़ का विकल्प, बिना कंकड़ का ये चावल जो सामने आया, ये चावल अब मैं खाऊंगा, ये बिना कंकड़ का चावल, ये विकल्प नहीं आता। उस समय तो पूरा जोर चावल पर है, जिसका भक्षण करना है उसी का ही विचार चलता है। ऐसे ही चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इसलिए निर्विकल्प अनुभूति के काल में तो न्यायक 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 यही धारा चलती है, अनुभूति है, मगर उससे पूर्व करण लब्धि के परिणामों में ऐसा विकल्पात्मक जो विचार और चिंतन चलता है उसमें भी ये चैतन्य का ही जोर होता है। ये चैतन्य, ये तो पर पदार्थों की रुचि और पर से अधिक महिमा वाला मैं, ऐसा भी भाव नहीं आता, ऐसा अहो भाव का भाव ये हो भगवान आत्मा, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव का अहो भाव, ये अहो भाव का भाव, अहो भाव माने तुलना नहीं, अहो भाव माने तुलना नहीं, अहो भाव माने भीतर से ही अंतर से ही वह न्यायक का स्वरूप ऐसा पहचाना कि वो भाव आया, ऐसा अहो अहो श्री सदगुरु, अहो अहो श्री सदगुरु। जिस समय ये गुरु के प्रति भाव आया उस समय ये जो कुगुरु दुनिया में भटक रहे हैं, ये कुगुरु जो क्रियाकांड के नाम पर धर्म बता रहे हैं, ये कुगुरु जो मंदिर में भगवान की मूर्ति में परमात्मा बता करके आत्मा से दूर करते हैं, ये सब
उनसे महान हे सदगुरु देव, ऐसा भाव किसको आता है? सदगुरु के प्रति अहो भाव का इतना ही भाव, अहो अहो श्री सदगुरु, इतना ही गुरु 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 सदगुरु, बस कुगुरु से महान सदगुरु इतना भी भाव नहीं। ऐसा हो भगवान, ऐसा हो, ऐसा भाव, ऐसा भाव, ओ हो हो, ये चैतन्य 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 चैतन्य, वो विकल्प क्यों आए, वो विकल्प भी क्यों आए? इसलिए मैं आप ज्ञान दीपकों से भगवान इसलिए कहता हूं, जब तुम्हारे तुम कहते हो ना कि तत्व विचार चलता है, ओ हो हो, ये चैतन्य चैतन्य ये विचार चलता है, मगर उस विचार में ये बीच में पराये का मिश्रण भी घुसता है। मैं चैतन्य परमात्मा हूं मगर ये देह से अलग हूं, राग के विकल्प से अलग हूं, ये अलग हूं, ये कंकड़ को चावल से अलग कर दिया, अब कब तक उसी विकल्प में अटकोगे? यहां तो कंकड़ चावल में मिला ही नहीं है, और फिर भी यहां चावल को देखते समय जो मिला ही नहीं है, ऐसे कंकड़ का विकल्प करके ये चावल के स्वरूप की ओर देखना ही नहीं, ये चावल नहीं खाने का एक बहाना है, ऐसा वो द्रव्य का झोर भगवान। ऐसा जिनको ये भेद ज्ञान, ये स्व चैतन्य परमात्मा और ये राग की दीवार, ये भी इस समय भी वो अंदर में भगवान यही कि ये तुम्हें कहने का विकल्प, उस विकल्प से अधिक महिमावान, ये अधिक महिमावान, अधिक महिमावान, ऐसा अधिक महिमावान का मतलब ऊंचा और नीचा वाला भेद नहीं, ऐसा ऊंचा और नीचा का भेद नहीं, ऐसा उसकी तुलना ही नहीं, उसकी तुलना ही नहीं हो सके, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ऐसा ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूं किसी, ऐसा किसी स्त्री के लिए पुरुष वो अपना पति है, पति के लिए पत्नी है, तो पति जब पत्नी को देखे या पत्नी जब पति को देखे, तो उस समय वो स्त्री के लिए पति के अलावा जितने भी पुरुष है पर पुरुष है, पति के लिए पत्नी के अलावा जितनी भी स्त्री है वो पर स्त्री है, ये पर स्त्री है। अब पति ने भेद जाना कि ये पत्नी मेरी और ये पर स्त्री, मगर जब ये पर स्त्री है ये जाना, अब अपनी पत्नी के साथ में बैठा है, मगर ये जो पराई स्त्री है वो पराई स्त्री उससे तो अलग है, ऐसी ये मेरी स्वस्त्री, ऐसा विकल्प आता है। यदि विकल्प आएगा तो घर में विवाद होगा कि बार बार पराई स्त्री को बीच में क्यों लाते हो, जब मेरी ओर देखते हो तब दूसरी स्त्री वो पराई है, मगर पराई है ये विकल्प भी तुम बीच में क्यों लाते हो? ऐसा यदि कोई पति कहे कि वो जो पराई स्त्री है ना उससे अधिक सुंदर तू है, ऐसे हो इससे अधिक सुंदर, मगर उसको ये सिद्ध कर दिया उसने कि पराई स्त्री के सौंदर्य पर तेरा अभी ध्यान जा रहा है, तू इतना मेरे में रुचिवान नहीं है, वरना तू ये तुलना भी अब क्यों करता है? ऐसा विचार, ये मेरा जो पति है ये पति, अब मेरा पति ये पति यही मेरा है, ऐसा तुम पति को कहो कि जितने भी पुरुष है बार 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 ये भी पर पुरुष है, उससे अधिक महिमावान तुम हो, ये भी जो पुरुष गया वो पर पुरुष है उससे अधिक महिमावान तुम हो, ऐसा यदि एक 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 पुरुष के लिए कहे तो उस पत्नी ने पति का आदर नहीं किया, विकल्प ही नहीं। जब चैतन्य तत्व उग्र पुरुषार्थ, ऐसा उग्र पुरुषार्थ का भाव ये कि मैं चैतन्य 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 चैतन्य, गहराई में जब जाता है ना तब ऐसी चैतन्य 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 ऐसी गहराई में जाता है भगवान, वहां देह देह है, विकल्प है, कंकड़ जहां पड़ा होगा वहां पड़ा होगा, मगर जिस चावल को मैं चखने जा रहा हूं अभी तो मुंह में नहीं रखा, अभी तो चखने जा रहा हूं, वैसे चावल में कंकड़ नहीं है, ये विकल्प खतरनाक है। ऐसा हो
ये ओ हो 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 ये चैतन्य, ये समझने के लिए किसी के वहां पर खाना खाने के लिए बुलाया ना आपको ऐसा, और किसी ने खीर आपको परोसी और वो कहा कि आपको जो ये खीर दी जा रही है इस खीर के अंदर जहर नहीं डला है, आप ऐसी खीर खाइए, ऐसा जहर बिना जहर की खीर मैं आपको दे रहा हूं। अब मेहमान बन के गए कहीं ऐसा, तो शंका तो और जाती है कि बिना जहर की खीर, जब खीर में जहर नहीं है तो जहर को याद भी क्यों किया। उग्र पुरुषार्थ का भाव ये हो, क्योंकि जहर नहीं है ऐसी खीर में वो खीर का रस नहीं आएगा। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा की राग का जहर नहीं है ऐसा विचार नहीं करना, ये विचार नहीं, ये पुरानी बात। मेरा ज्ञान दीपक जो विरला, वो अंतर में चैतन्य तत्व की अनुभूति को उपलब्ध होने वाला, अंतर में अभेद एक न्यायक देव कि जिसकी तुलना ही न करे कि कौन पराया, जिसमें पराया नहीं है ऐसे विकल्प की बात ही नहीं। अंतर में उग्रता जो जोर है सम्यक दर्शन प्रकट होने से पूर्व, ऐसी अंतर में दृढ़ता होती है भगवान, ऐसी अंतर में तत्व विचार में दृढ़ता होती है। तुम्हारा तो अभी ये कि अभी ये धन तिजोरी में आया, ये धन क्या लेके जाना है, यहां खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है, यही यही सब रहता है। वो तो बाद की बात है भगवान, ये बाद की बात है। भगवान आत्मा का तो पता जिसको है वो ही ये जानता है कि भगवान आत्मा में ये जो राग है वो राग अलग है। जिसने भगवान आत्मा को जाना है वही ये समझता है। ऐसा हो, एक गिलास के अंदर मैंने पानी मांगा कि पानी दो, और आपने मुझे पानी दिया, वो पानी उसमें कचरा है, तो वो कचरा, मैं जब कहता हूं कि मुझे कचरे वाला पानी क्यों दिया, मुझे कचरे वाला पानी नहीं चाहिए, गंदा पानी क्यों दिया, जब मैं ये कहता हूं कि मुझे गंदा पानी क्यों दिया, उस समय ये सिद्ध कर दिया कि कभी मैंने साफ पानी देखा है तभी तो ये पता चला कि ये पानी गंदा है। ऐसा माने गंदा पानी है, पानी में कचरा है, पानी में कचरा है, ये वह समझ सकता है जिसने स्वच्छ पानी को एक बार तो देखा है। ऐसा ये कपड़ा गंदा हुआ है जिसे सफेद रंग का पता है, वह ये भेद जानता है कि इसमें जो काला रंग है वो दाग लगा है। ये चैतन्य स्वरूप को जिसने पहचाना उसने ये पहचाना है कि राग का विकल्प ये दाग है, राग का विकल्प ये मलिनता है, मगर राग से अलग में चैतन्य, राग से अलग में चैतन्य, वो शुद्धता रूप चैतन्य दिखाई भी नहीं देगा। दूर है बाद की बात, तो राग का छूटना तो दूर है, राग का छूटना तो दूर है। कपड़े पर पहले जो काला दाग लगा है उस दाग को दाग के रूप में तुम देखो तो धुलाई करोगे। बाजार में तुम गए और कपड़े पर दाग लग गया, अब तुम घर पे आके कपड़े को क्यों धोते, कपड़े को इसलिए क्योंकि कपड़े पर दाग लगा है, कपड़ा गंदा है, तो दाग माना ना डिजाइन नहीं है, दाग है, इसलिए कपड़े को धोते हो। तो धोना ये बाद की बात है, धोने से पहले ये स्वीकार हो कि ये दाग है, धोने से पहले ये स्वीकार हो कि ये दाग है। तीन बात समझना हो, ये जो तीसरी बात है, तीसरी ये है कपड़ा धोने की बात, और दूसरी बात है कि कपड़े पर जो ये काला दाग है वो दाग है, डिजाइन नहीं है, और पहली बात ये कि ये दाग है, जिसको ये पहचान हुई है वह कपड़े को धोता है, दूसरे पे पहुंचा वह तीसरे पे पहुंचेगा। कपड़े पर दाग लगा है ऐसा जिसकी समझ में आया वो कपड़े को धोएगा, मगर कपड़े पर ये दाग लगा है ये किसकी समझ में आएगा,
ये उसकी समझ में आएगा जिसने सफेद वस्त्र को देखा है, उसे ही समझ में आएगा कि ये कपड़े पर काला है वह दाग है, और दाग है तो दाग को साफ करना है तो धोना है ऐसा। तो जब चैतन्य परमात्मा में शुद्ध न्याय 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 ऐसा में शुद्ध चैतन्य स्वरूप ऐसा जब अनुभव में आया, तो पर्याय में जो राग की मलिनता है, ये राग की मलिनता मलिनता के रूप में दिखाई देती है, उसके पहले नहीं। ये समझना भगवान, राग तो सचमुच छोड़ने जैसा है, छोड़ने की बात बाद में करो, पहले तो राग जो है वो राग छोड़ने जैसा तुम्हें क्यों लगा? कपड़े पर काला दाग तुम्हें हटाने जैसा क्यों लगा? क्योंकि तुम्हें ये पता है कि ये कपड़े का स्वभाव तो सफेद है। सफेद कुर्ता बाजार से मैं लेके आया था, ये असली स्वभाव तो सफेद का है, ये देखा है इसलिए काला तुम्हें दाग दिखेगा। तो राग का विकल्प मैं नहीं हूं, राग का विकल्प मैं नहीं हूं, क्रोध में नहीं हूं, कब तक उसमें उलझते रहोगे? अब ऐसा हो भगवान, ये पर से मैं जुदा हूं और पर भावों से मैं जुदा हूं, ये परद्रव्य और परभाव से मैं जुदा हूं, इस जगत में मेरा कोई नहीं है, कोई अज्ञानी इसमें अटके है कि जगत में सब मेरे साथी है, कोई अज्ञानी इसमें अटके है कि जगत में मेरे साथी कोई नहीं है। कौन है यहां साथी? यहां तो कब्र की मंजिल है, और ये जितने भी परिवारजन है ये तो बाराती है, कब्र की मंजिल तक ले जाने वाले बाराती है, ये कोई साथी नहीं है, ये तो सब आए और गए, ये तो मेले में मिलने वाले मुसाफिरों की भांति है ये परिवारजन, ये कोई साथी नहीं है। कोई अज्ञानी पहला व्यक्ति कैसा लगेगा कि ये मेरे साथी, फेसबुक के ऊपर मेरे 5000 फ्रेंड हो गए, ये इतने साथी, और कोई कहता है वो कोई काम में नहीं आते फेसबुक के 5000, जो घर में अपना बेटा है वही काम में आएगा, या घर में जो अपना बाप है वो काम में आएगा, साथी तो बस वही। कोई कहे कि वो भी साथ में नहीं आएगा, न फेसबुक का फ्रेंड काम में आएगा, न फैमिली का फ्रेंड काम में आएगा, कोई जग में किसी का साथी नहीं है, कोई साथी नहीं है। आप मेरे साथी तो है ना, ये बोलता हूं अब तुम्हारे हवाले दीपक साथी हो, तो मैं साथी कहता हूं ना कि तुम साथी, मगर साथी नहीं हो। इस जगत में मेरा कोई भी साथी नहीं है, ऐसा विचार करते करते जीव संसार में भटकता है, भटकता है। इस जगत में मेरा कोई साथी नहीं है, कोई कोई में गया क्यों? तुझे चैतन्य परमात्मा के दर्शन करने हैं तो इस जगत में कोई मेरा साथी नहीं है, इस जंजाल में भी क्यों फंसा? अब तो एक ही की चैतन्य ज्ञान मात्र भगवान आत्मा ये मैं हूं। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि क्या भेद ज्ञान फिर नहीं करना, हमारा ध्यान तो सदा रहता ही नहीं है। ध्यान सदा नहीं रहता भगवान, मगर वो पुरुषार्थ की कमजोरी है। ये ध्यान नहीं रहेगा आपका, ये पुरुषार्थ की कमजोरी है, मगर पुरुषार्थ की कमजोरी से तुम यात्रा की शुरुआत क्यों करते हो? अर्थात पुरुषार्थ की जो कमजोरी है उसको आदर्श क्यों बनाया है कि अभी तो इस भूमिका में क्या करें, देह से भेद ज्ञान करना पड़ेगा। अरे भगवान, हे ज्ञान दीपक चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ओ हो हो, भेद ज्ञान तो करना है ना। शरीर में जब इतनी वेदना हो, पीड़ा हो, दर्द हो, तो कितना भेद ज्ञान नहीं करोगे, ये दर्द मेरा स्वरूप नहीं है। नरक में नारकी को जब सम्यक दर्शन होता है, वो यहां का निश्चयाभासी, जिसे दुनिया कहती है निश्चयाभासी, निश्चयाभासी मर करके नरक में जाता है, व्यवहाराभासी मर करके स्वर्ग में जाता है,
कि निस्याभासी व्यवहाराभासी, निस्याभासी ने तो इतना भी पुण्य नहीं किया, व्यवहाराभासी जो है उसने क्या किया कि भगवान की पूजा भक्ति व्रत तब ये करके उसने माना कि ये सब धर्म है, मगर ये शुभ भाव में रहा, उसका जीवन जो है वो व्रत तप में रहा, वह जीव तो मर करके स्वर्ग में गया, पुण्य बांधा ने, बांधने वाले मुक्त कैसे होंगे, स्वर्ग में जाकर के भटका। मगर कोई निश्चयावासी जीव जिसने आत्मा को पहचाना नहीं और आत्मा को पहचाने बिना वो नरक में गया, व्रत भी नहीं किया, सिर्फ बस आत्मा खाता नहीं है पीता नहीं है, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं चैतन्य मैं चैतन्य, न व्रत करता है न आत्मा का अनुभव हुआ है, न तो पुण्य बांधता है न तो धर्म करता है, मगर बोलता है वाणी को पढ़ता है, ये निश्चयावासी कौन भला कि ये निश्चयावासी है वो नरक में जाता है। चैतन्य 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 लोग कहते हैं ना प्रणाम चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इससे आत्मा का हित क्या होगा, थोड़ा पुण्य बांधो थोड़ी भगवान की भक्ति करो, आदिनाथ भगवान का नाम लो, महावीर भगवान का नाम लो, जय श्री राम बोलो ना, चैतन्य 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 क्यों, न तो तुम आत्मा को पहचाने हो न तो तुम राम की भक्ति करते हो, अब तुम्हारा तो बस ना पुण्य बंधा ना तो धर्म हुआ, अब अधोगति पक्की, निश्चयावासी मैं तो शुद्ध हूं मैं तो बुद्ध हूं और देह की क्रिया कैसे भी हो रही है, ऐसे जीव नरक में जाते हैं, मगर नरक में जाकर के भी ऐसे निश्चयावासी जीव नरक में जाकर के भी जब एक नारकी दूसरे नारकी के शरीर को काटता है और उस समय पूर्व भव का ज्ञान स्मरण में आ जाए कि कटता है वह देह है चैतन्य नहीं और मैं चैतन्य 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 ऐसी वहां धारा चले, तो वहां देह से विकल्प से अलग होकर के अंतर में जाता है, सातवें नरक में नारकी सम्यक दर्शन पाता है। वेदना नाम का एक सम्यक्त्व है, ये वेदना सम्यक्त्व अचानक सभी नारकी को नहीं हो जाता, ये वह नारकी है जिसने चैतन्य की पुकार कभी तो सुनी है, ये वह नारकी है जिसे अंतर में ये चैतन्य 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 ये भीतर में विकल्प में तो शुरू हुआ था, मगर उसका चारित्र कोई ऐसा था हीन था, इसलिए लोगों को झटका लगे कि ये हीन चारित्र वाला, ये रात्रि भोजन करने वाला, ये बाजार की वस्तु खाने वाला ऐसा दिखेगा, दुनिया को दिखेगा, मगर तुम्हारे भीतर में एक चैतन्य का जोर है, सातवें नरक में भी होगा, वो हुआ है आगम का प्रमाण है, तत्वार सूत्र में है, तत्वार श्लोक वार्तिक में है, सर्वार सिद्धि को पढ़ो, ये सातवें नरक में नारकी को सम्यक दर्शन। मैं ये नहीं कहता कि तुम स्वच्छंदी और निश्चयावासी हो, मैं ये कहता हूं कि बाहर के क्रियाकांड यदि नहीं होते तो इतना अहित नहीं है, यदि चैतन्य 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 ये धारा तुम्हारे अंदर विकल्पों से भी चलती रहे, वह नारकी नरक में जाकर के भी पाता है भगवान, तुम्हारे भीतर में ये जो चैतन्य 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 शरीर में जो वेदना होती है उस वेदना में भेद ज्ञान, ये वेदना मैं नहीं हूं, ऐसा भेद ज्ञान, वेदना मेरा स्वरूप नहीं है, ये भेद ज्ञान करने वाले को सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, वेदना मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। नारकी को कहा ना वहां पर, ये साफ कहा कि नारकी को जो वेदना होती है और वेदना के काल में शब्द का उपयोग करता हो भगवान समझना, ओ हो हो भगवान हे चैतन्य परमात्मा, ये सातवें नरक में जो नारकी को जो वेदना होती है
वो वेदना के काल में, वेदना के काल में जो नारकी को सम्यक दर्शन होता है वो वेदना नहीं कराती। वेदना के काल में वेदना से उपयोग हट जाता है कि ये वेदना मेरा स्वरूप नहीं है और मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसा जो चैतन्य चैतन्य स्वरूप वहां पर अनुभव में आया उस समय सम्यक दर्शन हुआ। उसमें दो बात समझना कि ये वेदना मेरा स्वरूप नहीं है। जब तक ये चलता रहा ना नरक में नारकी को, ये वेदना मेरी नहीं, वो तो बात की दूर दूर की बात है, मगर वेदना मेरा स्वरूप नहीं है। अब मेरा का तो भाव पता ही नहीं है, स्वरूप का पता कहां है, वहां तो अनुभव तो हुआ नहीं है, तो वेदना मेरा स्वरूप नहीं है वो कैसे पता चलेगा। तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना कि जिस वस्तु के लिए तुम कहते हो ये मेरी नहीं है, मगर मेरी क्या है वो तो देखी हो। ऐसा जिसको ये पता है कि ये कंकड़ जो है ये हीरा नहीं है, मगर उसे ये तो पता हो कि हीरा तो देखा हो उसने, हीरा देखा हो वो ये कह सकता है कि ये कंकड़ है वो हीरा नहीं है। तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा के दर्शन के बिना ये वेदना मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा दर्शन होता ही नहीं है, ऐसी श्रद्धा होती ही नहीं है। ये वेदना मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा जब विकल्प आया, उस विकल्प से भी उब जाता है, उस विकल्प से हट करके वेदना मेरा स्वरूप नहीं है ये विकल्प, मगर उस विकल्प से भी हट जाता है और तुरंत मैं चैतन्य स्वरूप क्या है, ये वेदना मेरा स्वरूप नहीं है उसका भाव क्या है अब समझना हो। वेदना मेरा स्वरूप नहीं उसका भाव समझना भगवान। ऐसे ही ओ हो 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 भगवान आत्मा, ऐसा ज्ञान को अंदर में मोड़ना नहीं है, वो फिर उपयोग को अंतर में लेकर जाना नहीं है, एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ऐसा नहीं। वेदना ये समझना हो बहुत सूक्ष्म भाव है भगवान, बहुत सूक्ष्म भाव है। जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है द्रव्य का झोर ऐसा, तुम्हारे सम्यक दर्शन पाना है पाना है पाना है, ये ऐसा सुंदर में ऐसा भगवान ऐसा हो होगा हो, 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 तुम्हें। मगर एक द्रव्य का जोर मरण आए जीवन में अंतिम घड़ी में ये वेदना मेरा स्वरूप नहीं है मत अटकना उसमें। यहां अनुभव में वेदना नहीं है ज्ञान है ना, तो फिर वेदना मेरा स्वरूप नहीं है ये क्यों झंझट में अटकता है। यहां ज्ञान मात्र चैतन्य चैतन्य मैं हूं, बस चैतन्य चैतन्य मैं हूं, वेदना मेरा स्वरूप नहीं है उसके अनुभव में ही वो ऐसा स्थिर 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 ऐसा अंदर में। ये जो ज्ञान है ये ज्ञान और ये जो है ये है वेदना, तो वेदना ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है, ये ज्ञान का स्वरूप वेदना ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है भगवान। ओ, 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 इस बार तो मैं जाने न दूंगा भगवान, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन पाना एक ये चक्कर व्यर्थ में नहीं जाएगा भगवान। मगर ऐसा द्रव्य का जोर और उसी का उसी का उसी का उसी का ओ, ओ, इस बार ऐसा होगा हो। हे चैतन्य परमात्मा भगवान तुझे ऐसा कि खाली हाथ में नहीं जा रहा हूं, जब तेरा देह यहां से छूटेगा ना खाली हाथ नहीं जा रहा हूं, अर्थात तुझे ये विकल्प नहीं आएगा कि खाली हाथ नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वहां ज्ञान मात्र की अनुभूति होगी। जगत के लिए तेरे आत्मा का यहां से वियोग होगा, मगर तू जो अनुभव मात्र की धारा में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भले आ ऐसा चैतन्य परमात्मा की गति हो, मगर गति में ज्ञान स्वभाव में गति नहीं है, ये ज्ञान स्वभाव में प्रगति नहीं है। यहां से मरकर के ऊर्ध्व लोक में तेरा जन्म होगा, ये आत्मा का एक देह में से दूसरे देह में गया, मगर तेरे भीतर में जो अनुभूति होगी उस अनुभूति में ऐसा कि ज्ञान में ये प्रगति हुई ये गति हुई,
मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक में गति हुई, ये गति हुई। मगर यहां ये जो ज्ञान ज्ञान अनुभव में आ रहा है उसमें न गति न प्रगति। क्यों? क्योंकि जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप जो है वह स्वरूप केवल ज्ञान में नहीं पलटता, स्वरूप नहीं पलटता, वो तो मति ज्ञान की पर्याय का व्यय हुआ, श्रुत ज्ञान की पर्याय का व्यय हुआ, ओ हो हो, और केवल ज्ञान का जन्म हुआ। मगर त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता का व्यय नहीं हुआ, क्योंकि केवल ज्ञान को पैदा करने के लिए किसी को मरना पड़े, प्रकाश आने के लिए अंधेरे को मरना पड़े। केवल ज्ञान के लिए तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान मरते हैं, मगर मैं नहीं मरता। इसलिए वो जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ वो मेरी प्रगति नहीं है, वो मेरी गति नहीं है। मैं तो ध्रुव चैतन्य परमात्मा सदैव एक रूप हूं, केवल ज्ञान रूप थोड़ी होता हूं, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप। अब ये जो स्वरूप है जो केवल ज्ञान में प्रगति नहीं करता, जो केवल ज्ञान में विकास नहीं करता, ऐसा ये त्रिकाल चैतन्य परमात्मा अब वो मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक में गति करके यहां से जा रहा है। ऐसा कहां विकल्प होगा भगवान, ऐसा देह छूटे भगवान, ऐसी चैतन्य 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 कोई प्रगति नहीं, कोई ऊर्ध्वगमन नहीं, कोई अधोगमन नहीं, ऐसा चैतन्य परमात्मा सत्ता, इसको कहा सत्ता। ये सत्ता स्वरूप न्यायक देव, इसको सत्ता कहा। ये सत्ता स्वरूप, ये सत चैतन्य जो कहा, ये आत्मा है ये जो कहा, आत्मा की सत्ता, आत्मा नित्य है ये जो कहा, उसका भाव ये है। ये ध्रुव जो कहा, इसका भाव ये है। ये सच्चिदानंद जो कहा, उसका भाव ये है। ऐसा सच्चिदानंद सत्ता स्वरूप, ये चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये सच्चिदानंद, ये भगवान आत्मा मैं हूं। ओ ओ ओ, 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 ओ। ऐसा चैतन्य हो, ऐसा ज्ञान मात्र भगवान अंतर में। ऐसा जैसे जैसे तुझे ये अंतर में भेद ज्ञान की ऐसी धारा चलेगी, वेदना और ये ज्ञान, कितनी भी वेदना होती हो मगर वेदना जो हो रही है, वेदना का अनुभव जो हो रहा है, वो अनुभव ज्ञान में नहीं हो रहा है कि वेदना का अनुभव ज्ञान में नहीं हो रहा। वेदना का अनुभव वेदना में है, और ज्ञान में जो अनुभव है वह जानना है, वेदना नहीं। ज्ञान का स्वभाव जो है वो वेदना का अनुभव करना नहीं है, वेदना को जानना मात्र है। जो ज्ञेय है उस ज्ञेय का अनुभव करना ये ज्ञान का स्वभाव होता तो लोकालोक केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, तो केवल ज्ञान की पर्याय लोकालोक का अनुभव करने लगती। ओहो, ऐसा ये स्वरूप है भगवान, ये अनुभव करने लगती लोकालोक का। मगर आत्मा का अनुभव एकमात्र नित्य है, ये जो भाव, ऐसा इसका स्वरूप है। ऐसी तैयारी हो भगवान, ऐसा इसलिए अंतिम घड़ी में इस देह को छोड़ने के काल में ऐसा हो भगवान आत्मा, ऐसा वेदना शरीर में, इतनी वेदना मरते हुए व्यक्ति की तड़प, ऐसी हो। ये कोई मेरा साथी नहीं, इस जगत में कोई मेरा अब संगी नहीं है, देह भी मेरा नहीं है, ये वेदना भी मेरी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, अब उसमें नहीं जाना भगवान, वेदना मेरी नहीं है। ऐसी है चैतन्य सत्ता ज्ञान में, ऐसा ओ, 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 वो जो स्वीकार हुआ आनंद जो है, वो आनंद है, आनंद है,
दूसरे का वहां विकल्प नहीं है, वहां सत्ता पर जोर है, वहां तुलना भी नहीं है, ऐसी तुलना भी नहीं है। अपनी गाड़ी में पीछे से आने वाली गाड़ी का प्रतिबिंब पड़ता हो, कैसा प्रतिबिंब, उस समय ये गाड़ी मेरी नहीं है, इतना विकल्प तुम्हें कितनी बार आता है, उस गाड़ी में अपनापन नहीं करना जो प्रतिबिंबित होती है। सिर्फ इतना है बस, ये गाड़ी मेरी है बस। इसलिए जो अज्ञानी को अहोभाव लगता है ना, वो उछल कूद वाले भाव को अज्ञानी अहोभाव मानता है, अहोभाव मानता है, अहोभाव का भाव समझता है कि जितना राग का जोर होगा ना उतना अहोभाव समझता है, राग को अहोभाव। ऐसा न्यायक माने कि भगवान आत्मा के लिए, भगवान आत्मा के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, मैं अपना सारा जीवन समर्पण करने को तैयार हूं, धन संपत्ति वैभव ये तो दूर, मेरा ये देह ये आपके चरणों में अर्पण हो, जीवन भर के लिए ऐसा ऐसा अर्पण हो, ऐसा अर्पण करने को तैयार, ये अहोभाव थोड़ी है। जिसको तुमने देखा नहीं है उसका अहोभाव कैसे आएगा, जिसकी पहचान ही नहीं। और जब पहचान होती है तब इस चैतन्य परमात्मा के लिए मैं सारे जग को छोड़ने के लिए तैयार हूं, ऐसा भाव नहीं आता, क्योंकि यह चैतन्य की पहचान हुई कि सारे जग का विकल्प मर गया, और सहज भाव से जो जाना यह चैतन्य मैं, यह चैतन्य मैं, वो महिमा भाव जगने का मतलब क्या कि राग के जहर को लेकर के मैं भगवान आत्मा, ऐसा मैं भगवान आत्मा, ऐसा राग के जहर को लेकर के महिमा वाला नहीं माना, और ज्ञान मात्र का अनुभव करके उसने स्वीकार किया, ये अहोभाव है। राग से न्यायक का स्वीकार न करके ज्ञान से न्यायक का स्वीकार किया, ये अहोभाव है, ऐसा ये अहोभाव का भाव है। सहज का भाव है। बाहर के जगत में ऐसा देखोगे ना, उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। इसलिए तो जब कोई नेता को भाषण देना हो तो भाषण देने के लिए वो कितना जोर से एक वाक्य को जब जनता के सामने उसको सिद्ध करना हो ना तो कितनी दृढ़ता से वो बताना पड़ता है कि हमारी सरकार ये करके ही दिखाएगी, हमारी सरकार, तो इतनी दृढ़ता क्यों, ये इतना जोर, मुट्ठी बंद करके ये बोलने की जरूरत क्या है। ऐसे ही मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये मुट्ठी बंद करके जो जोर से ये उपदेश आ रहा है ना, ये महिमा नहीं है, ये जड़ है, ये महिमा नहीं है। महिमा तो भीतर में जो सहज जानना होता है बस, उसका नाम, उसने न्यायक को पहचाना, उसे न्यायक अब महिमावान लगा। ये तो राग का कचरा है, ये न्यायक की महिमा नहीं है। और न्यायक की महिमा, आ, 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 हे भगवान, ओ, ओ, इसलिए ये कहा, ओ, 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 ऐसा मुनि है ना, यशोधर मुनि तो मुनि है, और राजा श्रेणिक है, राजा श्रेणिक जब यशोधर मुनि के गले में सांप डालते हैं, कितना आदर कर दिया, कितना अहोभाव था यशोधर मुनि के प्रति, कितना अहोभाव कि सांप डाल करके उनका स्वागत सम्मान किया है, यह अहोभाव है कि अपमान है, उपसर्ग है कि सांप डाल करके उपसर्ग मुनि पर हो, और सांप में होता है जहर, जहर से मुनि का सम्मान नहीं होता। जब जहर से मुनि का सम्मान नहीं होता तो जहर से परमात्मा का सम्मान कैसे होगा, और कैसे जहर से, राग के जहर से कि मैं भगवान आत्मा, इतना राग आता है कि यही करने जैसा है, यही करने जैसा है, मगर इसको सम्मान मत समझना, इसको अहोभाव मत समझना। मैं तुमसे इसलिए कहता हूं कि माइलस्टोन जो है उसकी पूजा करने मत बैठ जाना,
ये बीच में आने वाला राग का विकल्प की न्यायक ही महान है। ये राग के विकल्प की पूजा मत करना, यात्रा आगे चलती रहे। ऐसा जीव पाता है भगवान और पाने वाला बिरला ज्ञान दीपक है भगवान। ऐसी ये चैतन्य परमात्मा की बस्ती जग में कोई मेरा साथी नहीं है। साथ साथ हम सब साथ साथ है ना, इसलिए आज ये भाव है। आज का दिन साथ साथ का दिन है। साथ 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 ऐसा विचार आया था साथ, मगर साथ किसी का साथ नहीं है, किसी का साथ नहीं। सातवा नरक, तो सातवें नरक में तुझे जाना है या फिर सात राजू पार करके सिद्ध शिला पर विराजमान होना है। तो दोनों में ऐसा दिखेगा, वो अंतर में ऐसा ही स्वरूप। इसमें दोनों में गति हो गई। सातवें नरक में जाना है कि गति करना है, सात राजू पार करना है गति करना है। मुझे ना इस साथ में जाना है, मुझे ना उस साथ में जाना है। अरे साथ साथ में जा ही नहीं सकता। ऐसा यह है चैतन्य परमात्मा, ये तीन लोक का नाथ, साथ नहीं तीन लोक का नाथ ये चैतन्य परमात्मा में। ये ज्ञान मात्र से स्वीकार, ज्ञान से स्वीकार करने, जैसा मेहमान हो उसका उस प्रकार से आदर करने। जैसा मेहमान है आदर उस प्रकार से होता है। अब सबके लिए अलग अलग आदर हो। ज्ञान दीपक आएंगे तो ज्ञान दीपकों के लिए आदर अलग तरह से करेंगे। अब यहां पर भावनगर के राजा आए तो भावनगर के राजा का आदर कुछ अलग तरीके से किया। कौन आ रहा है जैसा पुरुष होगा उसका आदर उसके हिसाब से करते हैं। ये कोई सम्राट है ना ये तो। अब ये तीन लोक का नाथ चैतन्य परमात्मा का आदर राग के विकल्प से नहीं करूंगा, राग के विकल्प से नहीं करूंगा। इसलिए जब ज्ञान दीपक मेरे से मिले, क्योंकि अब मैं एक एक ज्ञान दीपक को मिलता हूँ ना, जिन जिन को भी अब शुरू हो गई है पर्सनल वन टू वन मीटिंग, तो मैं सबको तो नहीं मिलने वाला। जिनका मैसेज आएगा उनके उनकी मीटिंग रखने वाले हैं, और वो भी ये 24 घंटे के अंदर कल शाम तक। जिन जिन के भी मैसेज आएंगे उनके साथ में मैं जूम पर वन टू वन मीटिंग में मिलूंगा। 24 घंटे का टाइम है, एक मिनट ज्यादा दे देता हूं। कल रात को 8:08 तक 24 घंटा और एक मिनट ज्यादा, एक घंटा और एक मिनट ज्यादा हो गया। 7-7, 8-8 यदि आज के सत्संग का समय शुरू करें ना तो। मगर आप जब मिलते हैं मुझे कुछ ज्ञान दीपक मिले तो ये कह रहे थे, अब तो यही अच्छा लगता है। ऐसा ये अच्छा लगता है, ये तेरी बोलने की भाषा ये ठीक है, मगर तू इतना अंतर में समझ लेना कि ज्ञान से न्यायक का स्वीकार जब तक नहीं होता तब तक वो अहोभाव नहीं है। क्योंकि न्यायक का आदर करना है ना, न्यायक का आदर करना है, तो न्यायक का आदर ज्ञान से करने, राग से क्यों करता है? ऐसा जैसा सम्राट यहां है उसके हिसाब से आदर करने, उसका सम्मान उसके हिसाब से कर। इसलिए ज्ञान से न्यायक का आदर होता है। ऐसा भगवान, ये चैतन्य परमात्मा की पुकार जग में दुर्लभ है भगवान। ये हुंडा सर्पिणी काल में ये असंख्य 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 ऐसे काल चक्र बीते, बरस नहीं,
काल चक्र, एक से छठा, छठे से पहला, एक से छठा, छठे से पहला, ऐसे असंख्य चक्र बीते। ये असंख्य चक्रों के बाद में ये सबसे खतरनाक काल चक्र जो अभी चल रहा है, हुंडाओ सर्पिणी काल कहते हैं, उसमें ये भाव भगवान, मुझे तो भगवान के प्रति इतना अहोभाव आया, अहोभाव आया नहीं, ज्ञान में भगवान जानने में आया है, बस इसको ही मैं अहोभाव समझता हूं। ये अहोभाव है। स्वभाव का आदर स्वभाव से होता है, विभाव से नहीं होता। ज्ञान स्वभाव को ज्ञान स्वभाव से आदर करने, राग के विभाव से नहीं। ऐसा मुलाकात उसमें वो शोभा देती है। अपनी जाति का अपनी जाति को मिले तो ठीक है, मगर राग की ये कीचड़ की जाति का न्यायक को मिलने आ ही नहीं सकता, मगर ये कोशिश झूठी है। ऐसा हो, 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 हो। ये ज्ञान सम्राट है ना, सम्राट का बेटा राजमहल के अंदर है और बाहर कोई भिखारी है, और ये राजकुमार उस भिखारी को कहता है कि आ मेरे पिताजी से आके मिल, मुलाकात कर, खुद नहीं करता कि मेरे पिताजी से मुलाकात कर तू, और उसके अंदर ताकत ही नहीं है, वो महल के अंदर आए ऐसी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, उसकी जाति नहीं है। तो ये राग का जो विकल्प है, उस विकल्प को अंदर ले जाकर के मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये विकल्प को अंदर लेकर मत जा। ये ज्ञान जो भीतर में ही है और वही अनुभव में आ रहा है, ये स्वीकार करके राग के विकल्प की याद भी चली जाती है। बाहर कौन है? राजकुमार जब राजा से मिला तो भिखारी को याद करेगा? ऐसा भगवान, ये ज्ञान की अवस्था चैतन्य परमा, ऐसी अभेद, ऐसी अभेद, यही तो परिणमित हो गई, यही तो परिणमित हो गई, जो एक समय की परिया, वो व्यस्त हो गई, वो बिजी हो गई, अब उसकी मीटिंग दूसरे के साथ नहीं होगी, कि राग का विकल्प जो ज्ञान में नहीं है वो कहां ऑक्यूपाइड है, वो तो मैं न्यायक ऐसे जानने रूप परिणमन में ऑक्यूपाइड है। ऐसा ये ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान भगवान, भले तुझे सम्यक दर्शन हो नहीं हो उसकी फिक्र क्यों करता है? तेरा चैतन्य का जोर ऐसा होगा भगवान, ये घर चले हम सदा सिद्धपुर साथियों, यहां कोई साथियों नहीं है, कौन साथी कौन संगी, कोई नहीं है भगवान, अपूर्व ऐसी दशा तुम्हारी प्रकट होगी भगवान, होगी होगी और होगी। ये चैतन्य 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 परमात्मा की ऐसी मस्ती में कल से अपूर्व शिविर शुरू हो रही है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इस बार तो आपको बुलाया नहीं है, माने खाली नाम के हिसाब से बुलाया, बाकी स्वागता करके कहा कि पधारना है पधारना है, ऐसा तो किसी को कहा नहीं। तो ऐसा ही लगता है राग से क्या कहूं भगवान, अब तो क्या कहूं, अब इसलिए कहने का भाव भी नहीं आता, अब तो यही कि मैं चैतन्य, तू जहां पर भी है, ना मैं तेरे पास आऊं ना तू मेरे पास, ये साथ साथ नहीं, अब तो तू उस राग को महल के बाहर जो है उसको भीतर लाने की चेष्टा भी छोड़, और उपयोग को ये चैतन्य सम्राट में अंदर में ढाल दे। ऐसा ये स्वरूप है, ये चैतन्य 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 परमात्मा ये मैं हूं। कल सुबह 8:42 पर भगवान, कल शाम को भी 8:42 पर, 3 दिन तक 6 सत्संग होंगे, और 10 तारीख को ज्ञान दीपकों का उद्घोष होगा,
और भी कुछ दीपकों के नाम प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक के लिए आए हैं, उसका उद्घोष 10 तारीख को करने वाले, मगर अब प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक में तो जगह नहीं है, जिन्होंने नाम भेजे उनका वेटिंग में है। मगर भावना भाता हूँ, तुम प्रत्यक्ष रहो या परोक्ष रहो, और इस बार से अदृश्य ज्ञान दीपक भी रखेंगे, जो 1,00,000 ज्ञान दीपक है ना, वो अदृश्य ज्ञान दीपक, तुम कहीं पर भी रहो, बस बस चावल जीभ पर आया और पता नहीं है, विकल्प नहीं है, पता माने उसका विकल्प तक नहीं है, विकल्प तक नहीं है कि इसमें कंकड़ है या फिर कंकड़ नहीं है। ऐसा जो मैंने आज आप परमात्माओं से राग मैं नहीं हूं ऐसे रस को छोड़ करके, ऐसे विकल्प के रस को छोड़ करके, ऐसे रस को छोड़ करके मैं चैतन्य ही हूं उस पर जोर रख करके तत्व विचार करे, ऐसे तत्व विचार से पर्याय में सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि तत्व विचार पर्याय में हुआ था, द्रव्य में तत्व विचार भी नहीं, द्रव्य में सम्यक दर्शन भी नहीं, द्रव्य न तो किसी का साथी है न किसी का संगी है, कोई साथ साथ नहीं है, एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य। देहाती